इस न्यूज के प्रायोजक हैं सर्वोस्टेप पावर प्राइवेट लिमिटेड, सर्वोस्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और आयास परफ्यूम्स। फेस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मुश्ताक अंसारी दिल्ली से एक खास खबर आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। जी हाँ, दिल्ली के लाजपत भवन में फेस ग्रुप का 24वां अवार्ड फंक्शन आयोजित किया गया, जिसमें करीब 15 स्टेटों के लोग जो है जिनको फेस राष्ट्रीय गौरव अवार्ड से सम्मानित किया। एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ देखने को मिला। कला के क्षेत्र के लोग भी मौजूद रहे। अगर पॉलिटिक्स की क्षेत्र से अगर बात करें तो कांग्रेस के सीनियर लीडर हसन अहमद साहब, आचार्य विक्रमादित्य जो कि टीवी पर्सनैलिटी हैं, इसके अलावा गुरजन सिंह राजू, और अगर अधिकारियों की अगर हम बात करें कोंडली जेल से डिप्टी सुपरिटेंडेंट डीएस मौर्या, इसके अलावा एसीपी, कई सारे एसीपी एसएचओ वगैरह भी इस कार्यक्रम में देखने को मिले। कला के क्षेत्र से अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया में अपनी गायकी के लिए पहचाने जाने वाले हमसर हयात अथर हयाज यहाँ पर इसमें मौजूद रहे। बॉलीवुड एक्टर शिवा को भी यहाँ देखने को मिला, और जो हरियाणी फिल्मों की एक हीरोइन है भव्या गौतम, वो भी यहाँ पर, जिनका एक बड़ा फेमस गीत, बड़ा फेमस हुआ वो गीत जिसमें उत्तर कुमार ने मेल लीड किया था और भव्या थी उसमें राजी बोल जाओ फेम, भी यहाँ पर वो मौजूद रही। उन्होंने भी बड़ा तहलका मचाया स्टेज पर, बड़ी परफॉर्मेंस उनकी देखने को मिली। अगर हमसर हयात की बात करें तो उन्होंने भी अपनी परफॉर्मेंस से दर्शकों को बड़ा मंत्रमुग्ध किया। इस अवार्ड फंक्शन में जहां करीब 15 स्टेट के लोग, अलग अलग फील्ड के लोगों को यहां ऑनर किया गया, वहीं कला के क्षेत्र से उभरते हुए गायकों ने भी एक बड़ा बेहतरीन समा बांधा और उन्होंने सिंगिंग की परफॉर्मेंस को दर्शकों ने बहुत इंजॉय किया। तो आइए देखते हैं ये एक खास रिपोर्ट। फेस ग्रुप का 24वां वार्षिक उत्सव लाजपत भवन ऑडिटोरियम में किया गया। फेस ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर मुश्ताक अंसारी की अध्यक्षता में आयोजित इस समारोह में देश के विभिन्न राज्यों के चुनिंदा 23 प्रमुख समाज सेवियों को फेस राष्ट्रीय गौरव अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में कांग्रेस नेता हसन अहमद, गाजीपुर मुर्गा मछली मंडी दिल्ली सरकार के चेयरमैन भाई मेहरबान कुरैशी, टीवी पर्सनालिटी आचार्य विक्रम आदित्य, उर्स कमेटी के चेयरमैन FI स्माइली, गोंडली जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट DS मौर्य, ACP अक्षय कुमार, सब्जी मंडी थाना अध्यक्ष राम मनोहर मिश्रा, कृष्णनगर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गुरचरण सिंह राजू, सीनियर जर्नलिस्ट मारूफ रजा, सर्वोस्टेप पावर के CMD मोहम्मद आलम, नेहरू विहार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अली अंसारी, आप नेता रमेश पंडित, राजबाला सिंह रानोर, भाजपा नेता अश्विनी गुलाटी, मन्नत रियल स्टेट के डायरेक्टर असलम खान गोरवाल आदि खास मेहमान की हैसियत से मौजूद रहे। मंच का संचालन अजय सक्सेना व उज्जवल अंसारी द्वारा किया गया। इस शाम को यादगार बनाने में विश्व प्रसिद्ध गायक सूफी ब्रदर्स हमसर हयात व अथर हयात का विशेष योगदान रहा, जिनकी परफॉर्मेंस को दर्शकों ने खूब इंजॉय किया। बॉलीवुड फिल्म एक्टर शिवा कुमार, हरियाणवी एक्ट्रेस भव्या गौतम ने भी अपने फेमस सॉन्ग राजी बोल जा पर जमकर डांस किया। शाम हाथों से झलकने न दूंगा, राज की बात ना किसी से कहूंगा। शाम हाथों से झलकने न दूंगा, राज की बात ना किसी से कहूंगा। हम सर सा कोई दीवाना नहीं है, जाना ये तूने क्यों जाना नहीं है। हम सर सा कोई दीवाना नहीं है, जाना ये तूने क्यों जाना नहीं है। तेरी आशिकी में ये कैसा नशा है, तू जाना है मेरी, तू मेरी दिल रुबा है। सब कुछ कुर्बान रे, ओ मेरे जिगर का छल्ला तू मेरी जान रे, तेरे ऊपर तय कर दूं सब कुछ कुर्बान रे। ओ मेरी नाजुक गली रे, मेरी नाजुक गली, मैं तेरी ला दूं पजे बराती बोल जा, ओए राजी बोल जा, इस अवार्ड फंक्शन में गिविंग हैंड के फाउंडर डॉक्टर आर सुरेश बाबू, प्रोफेसर डॉक्टर परीम सोमानी, यूनिवर्सल एजुकेशन एंड कल्चर ट्रस्ट के चेयरमैन अमजद खान लोधी, सोफी एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष सुहेल सैफी, साइबर सिक्योरिटी की प्रमुख डॉक्टर दिव्या तंवर, रेडियो अड्डा के CMD RJ दिलीप सिंह, मॉडल एंड एक्ट्रेस आफरीन सिद्दीकी सहित देश भर के चुनिंदा 23 देशभक्त समाज सेवियों को अवार्ड से सम्मानित किया गया।
इस मौके पर सियासी तकदीर ग्रुप के चीफ एडिटर मुस्तकीम खान, जर्नलिज्म टुडे ग्रुप के चीफ एडिटर जावेद रहमानी, कांग्रेस नेता हरीश गोला, एडवोकेट तारिक सिद्दीकी, दिल्ली पुलिस कर्मी अरविंद वत्स, समाज सेवी रईस अहमद, अशोक त्रहन, अफाक कुरैशी, रचना सचदेवा, राजीव शर्मा, प्रवीण खनकवाल, डॉक्टर कालदा हनीफ, डॉक्टर अंजारुल हक, डॉक्टर कमरुल हक, डॉक्टर इमरान, टीना पॉल, मेकअप आर्टिस्ट नाज खान को विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मानित किया गया। फेसबुक के जनरल मैनेजर नेहा शर्मा, मैनेजर बिलाल अंसारी एंड इवेंट इंचार्ज अरुषा चौहान की देखरेख में आयोजित इस राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम को खूबसूरत बनाने में मशहूर सिंगर वाजिद अली, मेघा भारद्वाज, समर खान, इमैनुअल फ्रैंक, रश्मि रावल, कंचन चौधरी, राजू सैफी, उमा खान, कुलदीप रावल, बी आर चौहान, सुनील जायसवाल, ज्योति जैस आदि ने एक से बढ़कर एक सदाबहार गीत पेश कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। इस मौके पर फेस फिल्म्स द्वारा निर्मित लव सॉन्ग दिल तुमको दिया है का प्रमोशन भी किया गया। आफरीन सिद्दीकी व मोहम्मद उस्मान पर फिल्माए गए इस गीत को वाजिद अली व समर खान ने अपने स्वर से सजाया है और निर्देशन किया है डॉक्टर बिलाल अंसारी ने। इस गीत की स्टार कास्ट भी यहाँ मौजूद रही। इस कार्यक्रम की सफलता में शबाना अजीम, शाइस्ता निशा, शिवम वर्मा, दानिश अयूबी, अन्नू फ्रैंक, जैनब अंसारी, शहनाज अख्तर की कड़ी मेहनत रही। भाई मैं मुश्ताक अंसारी साहब के लिए और इस प्रोग्राम के लिए जो जितने भी यहाँ पर लोग आए हैं, मेरा ये मानना है कि इससे अच्छा माहौल, इससे अच्छा प्रेम हमेशा मुश्ताक भाई, जितने बड़े बड़े लोग हैं, सेलिब्रिटी हैं, मैं तो अदना सा मुलाजिम हूँ, मैं तो बस अपने आप को ये मानता हूँ कि मैं भारत की सरजमीन से पैदा हूँ और मेरे लिए फ़ख्र की बात यह है कि सबका प्यार मुझे मिल रहा है हर कौम का। और ये जो प्रोग्राम हो रहा है, अवार्ड फंक्शन जो हो रहा है, इसके लिए सबको बधाई है मेरी तरफ से, पूरी दुनिया की तरफ से, पूरे भारत की तरफ से, कि अल्लाह बारे ताला मालिक ईश्वर भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, मौला अली, हजरत वाहेगुरु, सभी लोग अपनी आशीर्वाद से सभी को नवाजें और सभी को इज्जत शोहरत अता फरमाएं, यही मेरी दुआएं हैं। हमारी आज़ादी को जो सेलिब्रेट किया और लोगों को जो वो अवार्ड दे रहे, मुझे भी अवार्ड दिया, उसका मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ऐसे लोगों की, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, राजू भाई हमारे साथ है, शिवा हमारा एक्टर है, ये छोटे भाइयों की तरह जब इन लोगों को देखते हैं तो हौसला बढ़ता है कि आज हिंदुस्तान में ऐसे लोग हैं कि जहाँ मुसलमानों को या हिंदुओं को या सिखों को कोई ख़तरा नहीं है, कुछ लोग हैं जो हिंदुस्तान के माहौल को ख़राब करने में लगे, वो हमेशा करते रहेंगे, वो कभी ख़त्म होने वाले नहीं हैं। जब ज़िंदगी ख़त्म होगी, जब होगी, मैं आपके चैनल से, आपके माध्यम से मैं लोगों को अपील करना चाहता हूँ कि प्यार मोहब्बत से बड़ा दुनिया में कोई रास्ता नहीं है। और शरीयत इस्लाम ये कह रही है कि वतन से मोहब्बत पूरा ईमान है, आधा ईमान नहीं है। तो हमने तो अपनी शरीयत से सीखा है और हमारी जो दुनिया है और हमारा जो सब कुछ है वो हिंदुस्तान है, पैदा भी यहाँ हुए हैं और हमको मरना भी यहाँ, इसलिए हम दुआ करते हैं आज के दिन कि हिंदुस्तान दुनिया में पहली शक्ति बने और सेकुलर लोगों का दोबारा से परचम आगे लहराए और ये देश आगे बढ़ता चला जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मुश्ताक अंसारी साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरीके का आज का माहौल चल रहा है, कश्मकश का, लोग डिप्रेशन में है, कोई मतलब जो है उसको मणिपुर को लेके, कोई हरियाणा को लेके, कोई न्यू को लेके, और लोग बाग डिप्रेशन में, उस डिप्रेशन के टाइम पे ऐसा एक अवार्ड फंक्शन किया है जिसके अंदर लोग 5-6 घंटे बिल्कुल सब कुछ भूल गए, जितनी भी डिप्रेशन की बातें थी, महंगाई की बात थी, नोटबंदी की बात थी, या मणिपुर में जो मारकाट होती उसकी बात थी, या हरियाणा की बात थी। आज मैं मुख्तार अंसारी साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, सभी धर्म के लोगों को इकट्ठा किया और एक दो जो लोग सोशल सामाजिक लोग हैं उनको अवार्ड दिया, शॉल से नवाजा, उनका स्वागत किया। मैं उनके फैज़ ग्रुप का उनका धन्यवाद करता हूँ और मैं तहदिल से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक इनकी लंबी उम्र दे और ये नेक काम जो कर रहे हैं ये काम जारी रहे। देखिए यहाँ पर अंसारी साहब का प्रोग्राम में हम आते रहते हैं और अंसारी साहब के जब भी प्रोग्राम करते हैं, सेकुलरिज्म उसमें नज़र आता है, उसमें सब धर्मों के लोग आकर शिरकत करते हैं और सब धर्मों के लोग आकर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये एक बहुत बढ़िया इंतजाम वो रखते हैं और उनके मन के अंदर जो भावना रहती है वो इंसानियत की रहती है और सबको जोड़कर रखने का काम करते हैं। वो ये नहीं सिर्फ मुसलमान है तो मुसलमानों को जोड़ने का काम करते हैं, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी धार्मिक कार्यक्रम का काम करना हो तो उस तरह के कार्यक्रम के अंदर वो हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और आज जो अवार्ड फंक्शन कर रहे हैं उसके अंदर भी सब लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, अलग अलग स्टेट से यहाँ पर लोग आए हुए हैं,
जो अवार्ड लेने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, अवार्ड ले रहे हैं यहाँ पर, और अवार्ड लेकर उसमें जो जो लोग हैं उनको सम्मानित कर रहे हैं, जिन लोगों ने अपने अपने कार्य क्षेत्र के अंदर कार्य किया है, जिन लोगों ने अपनी अपनी अपने कार्य सराहनीय कार्य लोगों ने किए हैं उनको अवार्ड देकर उनको सम्मानित करने का जो काम कर रहे हैं, मैं उनको बधाई देने का काम कर रहा हूँ। ये गौरव अवार्ड है और वो भी राष्ट्र का, तो फेज राष्ट्रीय गौरव अवार्ड जो है ये हमेशा से ही मुश्ताक अंसारी जी के सारे प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया होते हैं। इसके अंदर जो भाईचारे का है सबका, और सब 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 किस मतलब रिलीजन के लोग यहाँ आते हैं और सबसे मुलाकात होती है, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा गर्व होता है। और वैसे भी जब कोई आपको बुलाता है आपके काम के लिए तो प्राउड तो फील होता ही है। फेस ग्रुप एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों में मानव सेवा के लिए कार्य कर रहा है, और फेस ग्रुप के द्वारा समाज के सभी लोगों को जोड़ा गया है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, किसी भी समाज से संबंध रखता हो। जो फेस ग्रुप करता है वो देश में मैंने बहुत ही कम ऐसे ग्रुप देखे हैं या ऐसे सोशल वर्क देखे हैं जो सभी लोगों को जोड़े रखता हो। तो मैं भी थोड़ा सा जो फेस ग्रुप के हमारे डॉक्टर साहब अंसारी जी हैं तो यहाँ आके मैं कुछ कुछ सीखता हूँ और उनको अपने क्षेत्र में लागू करने की कोशिश की। ये आपको मुबारकबाद जाता है फेस ग्रुप को, और विशेषकर जो मुबारकबाद है डॉक्टर मुश्ताक अंसारी को जो इतने वर्षों से मेहनत करके सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं, और विभिन्न वर्गों से जिन लोगों को मतलब प्रोत्साहित जो है मौका नहीं मिलता है उनको आगे आने का, उनको प्रोत्साहित करते हैं, उनको मंच पर लाकर उनकी प्रतिभा को दिखाते हैं, और हम लोग उससे जो है हमें जानकारी मिलती है कि यार हमारे हिंदुस्तान में ऐसी ऐसी प्रतिभाएँ छुपी हैं मगर उसको आगे लाने की बहुत ज़रूरत है। अंसारी जो जो काम कर रहे हैं ऊपर वाला उनके साथ है, और हमारी दुआएं उनके साथ हैं, और तमाम लोग हम उनके साथ हैं, और ऐसे काम करने वाले को कहीं भी जो मैं कहता हूँ ना कि उन्हें पीछा नहीं देखना पड़ेगा, बस अंसारी जी बहुत आगे जाएंगे, और उनका जो प्रचार प्रसार हो रहा है लोग बताते हैं अंसारी साहब के का जो दिल धड़कता है ना वो हिंदुस्तान के लिए धड़कता है और सबके लिए धड़कता है। मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहता हूँ, दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूँ फेस ग्रुप को, डॉक्टर मुश्ताक अंसारी और उनकी इंटायर टीम, और जनरल मैनेजर और मैनेजर बिलाल अंसारी, डॉक्टर बिलाल अंसारी, नेहा शर्मा और आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ये एक ऐतिहासिक पल है मेरे लिए कि जिस तरह से हम आप लोगों के काफ़ी टाइम से प्रोग्राम जो है देख रहा हूँ कि आप लोग जो देश के अंदर जो टैलेंट है उसको निकाल के लाते हो और उन्हें यहाँ सम्मानित करते हो, इतना बड़ा काम, बहुत बड़ा काम है ये फेस ग्रुप का, इसके लिए उन्हें बधाई, धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा सॉन्ग है मेरी मूवी का जो मैं आपको सुना देता हूँ। चढ़ते तूफान में उतर सकता हूँ, नाम लेकर तेरा कुछ भी कर सकता हूँ, आज सजदे की लाज रख ले वरना मैं बंदगी की हद से गुजर सकता हूँ। सफ़ेद लम्हों में रंग भर दे तो जिस पे अपनी नज़र कर दे, तो प्यारा मुझसे खुदा का भी है, तुझे सलीका दुआ का भी है, गौर कर मेरी अर्जी पर बाकी सब तेरी मर्जी पर, ये गर्दिशें ये मुश्किलें तू नहीं आने दे ए वली, नजद अल्लाह ओ अली अल्लाह ओ अली। ये मैंने फिल्म तथास्तु में संजय दत्त साहब की वो में गाना गाया है, और आपकी दुआ से मेरा गाना बड़ा वायरल हुआ। जाम हाथों से छलकने न दूंगा, राज की बातें ना किसी से कहूंगा, अब के तुम आए तो वादा है मेरा, आज मैं तुझको ना जाने न दूंगा। चांदी सा बदन तेरा सोने सी जवानी है, मैं इश्क का राजा हूँ तू हुस्न की रानी है। थैंक यू।